नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो फोन 2 की। ज़्यादातर लोग जियो फोन 1 की बात करते हैं, लेकिन जियो फोन 2 के बारे में कोई बताता नहीं है और ज़्यादा वीडियो भी नहीं है यूट्यूब पर। तो आज हम जियो फोन 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जियो फोन 1 से बेहतर फ़ोन है, क्योंकि इसके जो कीपैड है वो क्वेटी कीपैड है। इसकी वजह से आपको टाइप करने में बहुत आसानी होती है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। अगर आप सेकेंडरी फ़ोन यूज़ के लिए ये जियो फोन 2 रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दिखने में भी अच्छा है, जियो फोन 1 से बेहतर है। जियो फोन 1 से डबल दाम में ये मिलेगा। ये 2999 3000 में मिलेगा। ऑनलाइन इसको आप मंगा सकते हैं, EMI पे भी उपलब्ध है। और बाकी इसका जो हैंग का प्रॉब्लम थोड़ा कम है, यानी जियो फोन 1 में जो जियो फोन 1 हैंग होता है, ये हैंग उतना नहीं होता है। बाकी इसमें वीडियो देखने का मज़ा कुछ और है, क्योंकि जियो फोन 1 में आपको वीडियो देखने के लिए फ़ोन आड़ा करके देखना पड़ता है। उसकी स्क्रीन जो है यही है, लेकिन वो क्वेरिटी कीपैड नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल है, तो आपको आड़ा करके देखना पड़ता है। तो यही बात है इसमें। और स्पेसिफिकेशन सेम ही है। स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो इसमें HD वॉइस कॉल, 4G इंटरनेट, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, GPS, ब्लूटूथ, वायरलेस FM, वाईफाई। हाँ, अभी जो नए फ़ोन आ रहे हैं उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है। हॉटस्पॉट तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन वाईफाई भी नहीं है। इसमें अगर मैं चाहूँ तो वाईफाई यूज़ करके अगर इसमें डेटा ना हो तो भी मैं चला सकता हूँ, क्योंकि वाईफाई है। वाईफाई होने की वजह से मैं इसको कनेक्ट करके वीडियो वगैरह देख सकता हूँ। इसमें जो है JioTV, JioCinema, ये यूज़ कर सकता हूँ वाईफाई की मदद से। JioCinema में यूज कर सकता हूँ। तो जियो फोन स्पेसिफिकेशन, ये जो है डिस्प्ले है वो 6.09 सेंटीमीटर, यानी TFT डिस्प्ले है, और वही डिस्प्ले जियो फोन 1 में भी है। 2 मेगापिक्सल कैमरा है, दोनों तरफ कैमरा है, कैमरा दोनों तरफ है जियो फोन में भी। ये फ्रंट कैमरा है और ये रियर फ्लैश, और इसमें 2000 mAh की बैटरी है, 512 MB रैम और 4GB इंटरनल मेमोरी है। SD कार्ड आप 128 GB तक डाल सकते हैं इसमें। 3.5 mm हेडफोन जैक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑल सेम ही है।